यीशु मन में फिर से उदास हुआ और वो कब्र पर गया जो एक गुफा थी और एक पत्थर उसके मुंह पर था। पत्थर को हटा दो। हे प्रभु, उसमें से दुर्गंध आती होगी। उसे दफनाए 4 दिन हो चुके हैं। क्या मैंने तुझसे न कहा था कि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? तब उन्होंने पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें ऊपर उठाई। हे पिता, तेरा धन्यवाद जो तू मेरी सुनता है। मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु उनके कारण मैंने ये कहा जो यहां खड़े हैं, जिससे वे विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। ये कहकर वो ऊंची आवाज में पुकार उठा, लाजर, बाहर आ जा। वो निकल आया। उसके हाथ पांव कफन में लिपटे हुए थे और मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। उसे खोल दो और जाने दो। तब जो मरियम के पास आए थे और यीशु के काम को देखा तो उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलवाकर कहा, अब हम क्या करें? उन चमत्कारों को तो देखो जो ये व्यक्ति करता है। यदि हम उसे ये करने देंगे तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तब उनमें से कैफा नामक एक व्यक्ति जो उस वर्ष महायाजक था बोला, तुम सब मूर्ख हो, क्या ये नहीं समझते कि भला है कि एक व्यक्ति हमारे लोगों के लिए मरे और सारी जाति नष्ट ना हो? ये बात उसने अपनी ओर से न कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर उसने भविष्यद्वाणी की कि यीशु यहूदियों के लिए मरेगा और न केवल उस जाति के लिए, वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। उसी दिन से यहूदियों के प्रधान उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे, तो यीशु उस दिन से खुलेआम नहीं आता जाता, परंतु जंगल के निकट बसे प्रदेश में इफ्राइम नामक नगर में अपने चेलों के साथ रह पड़ा। यहूदियों का फसह पर्व था और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। वे यीशु को ढूंढ रहे थे और जब मंदिर में जमा हुए तो आपस में पूछने लगे, तुम क्या सोचते हो, क्या वो पर्व में नहीं आने वाला? प्रधान याजकों और फरीसियों ने यह आदेश दे रखा था कि यदि कोई ये जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए, ताकि वो उसे पकड़ सकें। फसह से 6 दिन पहले यीशु बेतनिया में आया, जो लाजर का गांव था, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे।
तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। पर यीशु का एक चेला यहूदा इस्करियोती, जो उसे पकड़वाने वाला था, बोला, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था। उसके पास पैसों की थैली थी जिससे वो चुरा लेता था। उसे रहने दो, उसे मेरे ये गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। बहुत से लोगों ने सुना था कि यीशु बैतनिया में था, तो वे वहां पहुंचे केवल मसीह के लिए ही नहीं, बल्कि लाजर को भी देखने, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, जिसके कारण कई यहूदी उन्हें छोड़कर यीशु पर विश्वास कर रहे थे।